हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पांच धार्मिक स्थल। वैसे तो उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए कई धार्मिक स्थल और मंदिर हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के प्रमुख पांच धार्मिक स्थल के बारे में बताएंगे, जिनमें से एक है काशी। विश्व की सबसे प्राचीन प्रसिद्ध नगरी काशी है, जिसे बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। काशी में 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। वाराणसी में कई घाट, मंदिर और पर्यटन स्थल हैं, जो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और दूसरा है हमारा मथुरा। यमुना नदी के किनारे बसी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है। मथुरा के आसपास गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना आदि गांव हैं, जो श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के स्थल हैं। भारत की सात प्राचीन नगरी अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका में से एक है मथुरा। मथुरा के आसपास कई मंदिरें हैं जहां आप घूम सकते हैं। और तीसरा है अयोध्या। सरयू नदी के किनारे सप्तपुरियों में एक अयोध्या श्री राम जी की जन्मस्थली है। अयोध्या में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। दिवाली में यहां की शोभा देखने लायक रहती है। और चौथा है हमारा प्रयाग। गंगा के किनारे स्थित सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है प्रयागराज। इसे तीर्थों का राजा भी कहते हैं। यहाँ गंगा और यमुना का मिलन होता है और सरस्वती को यहाँ अदृश्य माना जाता है। त्रिवेणी के इसी स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है, क्योंकि यहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। यहाँ हजारों वर्ष से विद्यमान है अक्षयवट और सभी संतों के मठ व आश्रम। यहाँ सैकड़ों धार्मिक स्थल हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। और पाँचवा है वृंदावन। वृंदावन मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप सैकड़ों भगवान कृष्ण और राधा जी की मंदिर हैं। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर और विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर भी यहीं हैं। यह श्री कृष्ण भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में एक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।